हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आलू परवल की भुजिया रेसिपी। भुजिया कहिए या फिर आलू परवल फ्राई, तो आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े हर किसी को बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तब हम यहाँ पे ले लिए हैं 300 ग्राम परवल, और गर्मियों के समय में आसानी से मिल भी जाता है परवल मार्केट में। तो यहाँ पे हम दो आलू ले लिए हैं और 300 ग्राम परवल है, ये देखिए लगभग 6 से 7 परवल है। और अब हम इसको जो है छील लेंगे अच्छे से, देखिए चाकू से। और ये देखिए, और चाकू से जो है आप दोनों साइड से इसको छील सकते हैं अच्छे से। ये देखिए छिल गया है। तब हम जो है इसको दोनों तरफ से जो ये है इसको काट के निकाल लेंगे, और सारे परवल को जो है हम इसी तरह से छील लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे छील लिए हैं सारे परवल को, और अब हम आलू को भी छील लेंगे। तो ये देखिए आलू को भी हम इसी तरह से छील लिए हैं। और के बहुत से लोग जो है परवल को बिना छिले भी बनाते हैं, तो आपको जैसे पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कट करने के भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो हम यहाँ पे जो है आपको 3 तरीके से कट करके दिखा रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो हम गोल में कट किए हैं, और फिर भी इससे काट के किए हैं। और अब इसको जो है हम ये देखिए, और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हम तो जो है इसको पतला कट करेंगे। और ये देखिए अब इस तरह से कट करके हम लंबाई में कट कर रहे हैं। तो ये देखिए जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे परवल को जो है कट कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे आलू परवल का भुजिया बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो सिर्फ परवल का भी भुजिया बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए इसी तरह से लंबाई में हम सारे परवल को जो है कट कर लेंगे, और ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो भुजिया बना रहे हैं, परवल और आलू का फ्राई। तो ज़्यादा मोटा रखेंगे तो जल्दी ये जो है पकेगा नहीं। और तब हम जो है आलू को कट कर लेंगे। सारे परवल हमारा कट गया है, तो आलू को भी हम ये देखिए इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे। और इसके बाद जो है अब इसको हम लंबाई में कट करेंगे, और ज़्यादा इसको मोटा नहीं, ये भी इसको भी हम ज़्यादा मोटा नहीं कट करेंगे, इसको भी पतला ही कट करना है। तो ये देखिए पहले हम जो गोल में कट किए थे, और अब इस तरह से लंबाई में हम कट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप कट कर लीजिए, या फिर जो जिस तरह से आप आलू को काटते हो उस तरह से काट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परवल और आलू दोनों चीज़ को हम कट कर लिए हैं, और आलू को हम फिर से एक बार धो लेंगे। और परवल को धो के कट किए थे, अब नहीं धोएंगे, आलू को एक बार फिर से धोएंगे। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 बड़े साइज का प्याज, और इसको कट कर लिए हैं। प्याज को ज़्यादा पतला नहीं कट करेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे। और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिए हैं, और लहसुन की यहाँ पे हम 4 कली लिए हैं और कट कर लिए हैं इसको। तो लहसुन प्याज का यूज़ ज़्यादा कीजिए, टेस्टी लगता है खाने में भुजिया। तब हम चढ़ा दिए गैस पे कढ़ाई, और डाल दिए इसमें तेल। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। डाल दिए हम इसमें 1 चम्मच जीरा, और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। और लहसुन और हरी मिर्च को जो है हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, और गैस का फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम रखिए। और गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद लहसुन और हरी मिर्च, उसके बाद हम डाल दिए हैं प्याज। और प्याज डालने के कुछ सेकंड बाद ही हम यहाँ पे डाल देंगे परवल, और तब हम यहाँ पे डाल दिए हैं परवल, ये देखिए। और तुरंत हम चलाएंगे नहीं परवल डालने के बाद, इसको जो है ऐसे आधे मिनट के लिए रहने देंगे, और आधे मिनट के बाद हम जो है यहाँ पे चलाएंगे इसको। तो ये देखिए जब तक परवल हमारा फ्राई हो रहा है, आलू को हम पानी में डाल दिए थे, और आलू को इस तरह से जो हम पानी में से निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। और ये देखिए परवल भी हमारा यहाँ पे तब तक भून रहा है।
और प्याज और परवल हम इसलिए एक साथ डाले हैं क्योंकि हम इसको भुनेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो प्याज हमारा जल जाता है अगर हम प्याज को ज़्यादा पकाते तो इसीलिए प्याज और परवल को एक साथ डाले थे। और प्याज और परवल को हम यहाँ पे 2 मिनट फ्राई किए हैं और 2 मिनट भूनने के बाद जो है इसमें आलू डाले हैं। तो देखिए आलू डाले हैं, आलू को भी हम डालने के बाद तुरंत नहीं चलाएंगे, आलू डालने के 1 मिनट बाद हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे जो है इसको चलाएंगे। और ये देखिए आलू डालने के 1 मिनट बाद जो है हम यहाँ पे आलू को भूनने के 1 मिनट बाद हम डाल दिए हैं हल्दी, और हल्दी डाल के हम इसको अच्छे से जो है मिला लेंगे और इसी तरह से हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखिए, मीडियम फ्लेम पे हमें जो है इसको बनाना है सब्जी को। और इसी तरह से जो है बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, नमक हम अभी नहीं डाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब इसको जो है अच्छे से हम मिला लेंगे। बस इतना ही मसाले डालेंगे, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। और इसी तरह से जो है हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए अब मसाले जो अच्छे से मिला दिए हैं तो भुजिया हमारा बन गया है। लास्ट में हम नमक डाल रहे हैं, नमक पहले नहीं डाले हैं क्योंकि जो है पहले नमक डालने से पानी छोड़ देता है और भुजिया हमारा क्रिस्पी नहीं बनता, तो इसीलिए हम लास्ट में नमक डाले हैं। और नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम जो है इसको भुनेंगे ताकि पानी सूख जाएगा और भुजिया हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा भुजिया बन गया है, अब हम जो है इसका गैस कर देंगे बंद और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, यहाँ पे मुझे जो है 8 से 9 मिनट का टाइम लगा है बनाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा सुपर टेस्टी आलू परवल की भुजिया हो गई है बनके तैयार, और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े हर किसी को। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाते हैं आपके बच्चे तो कोई बात नहीं। और आप इसे पराठे रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में एक रोज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बेहद पसंद आएगी। और पसंद आए आप सभी को मेरी ये आलू परवल भुजिया की रेसिपी ट्राई करने के बाद, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।